not a game, it's a redstone. अगर देख हमारी नई वीडियो तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो गाइस शुरू करने से पहले आज भी वर्ल्ड कप आप जरूर जाकर देख सकते हो। भारत का वर्ल्ड कप आज फाइनल मैच है तो आप वहां पर जाकर बिल्कुल देख सकते हो, अपने टीवी मोबाइल पर देख सकते हो। तो गाइस आज हम बात करने वाली रेड मैजिक प्रो की, जो कि हमने भाई पिछली वीडियो में बात की थी, वही रेड मैजिक प्रो प्लस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग की थी। आज अनबॉक्स करने वाले हैं रेड मैजिक प्रो की। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो रेड मैजिक का बॉक्स, जो कि रेड मैजिक 9 प्रो है ये, और प्लस की हमने पहले ही अनबॉक्सिंग कर चुके हैं। तो गाइस आज इसी बॉक्स को जल्दी से ओपन कर लेते, रैपर टाले थे ऊपर वाले रैपर टाने का बॉक्स कर लेते जल्दी से ओपन। तो गाइस यहाँ पर ओपन करते हमें भाई रेड मैजिक का लोगो देखने मिल जाता है, और ये भाई जो छोटा बॉक्स है इसके अंदर हमें केस वगैरह सब कुछ देखने मिल जाता। सबसे पहले यही खोल देख लेते हैं। सिम इंजेक्टर टूल ऊपर देखने मिल जाता, कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। और गाइस यहाँ पर बात करें अंदर और क्या क्या, भाई ये यहाँ पर हमें भाई एक केस देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट केस यहाँ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हार्ड केस देखने को मिल जाता है, और दोनों तरफ आपको कटआउट भी देखने को मिलता है, यानी साइड में दोनों तरफ कटआउट देखने को मिल जाता है। और सी टू सी केबल ये यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एक अडप्टर भी देखने को मिल जाता है साथ में फ़ोन के साथ। और जल्दी से फ़ोन के रैप पर को हटा लेते हैं और फर्स्ट लुक आपको दिखाते हैं रेड मैजिक 9 प्रो की। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट लुक बैक में आपको कितना जो कैमरा ना कैमरा आपको जो फोन की बॉडी उसके अंदर ही आपको अंदर, यानी एक्स्ट्रा बाहर नहीं दे बम्प देखने को नहीं मिलता है इसके कैमरे के अंदर। तीन तरह के कैमरे हैं जो हम आपको अभी बता नहीं सकते भी कितने कितने MP के हैं। और गाइज यहाँ पर RGB लाइट भी और फ्लैश लाइट और एक छोटा कैमरा आपको बता ही देते हुए यहाँ पर 8 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। बैक में आपको ग्लास फिनिशिंग यानी ग्लास देखने को मिल जाता है। RGB लाइट 8th Gen 3 का प्रोसेसर इसमें यूज किया गया है। और गाइस यहाँ पर आपको बैक में भाई जो 09 लिखा हुआ है वो भी आपको RGB लाइट ही है वहाँ पर देखने को मिल जाती है। बैक पैनल बिल्कुल ग्लास का है, फ्रंट में ग्लास। सबसे बड़ी बात है फिंगरप्रिंट, यहाँ पर फिंगरप्रिंट के निशान बिल्कुल अपने आप गायब हो जाते हैं। और यहाँ पर आप बटन देख सकते हो शॉर्टकट की, और यहाँ पर एक फ़ैन है, यानी फ़ैन दोनों तरफ आपको होल देखने को मिल जाते हैं, और जिससे भी आपका फ़ोन गर्म नहीं होता। फ़ैन गेमिंग फ़ोन है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको सेफ्टी के लिए अच्छा है। और गाइस यहाँ पर 3.5 mm का जैक देखने को मिल जाता है, और ऊपर आपको भी स्पीकर ग्रिल वगैरह बिल्कुल देखने को मिल जाते हैं, और माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है ऊपर ही, और साइड आपको बिल्कुल स्पट यानी फ्लैट देखने को मिल जाती है, और दूसरी साइड वॉल्यूम बटन वगैरह ये सब यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और गाइस फ्रंट कैमरा आपको बता देते हैं, 32 MP का फ्रंट कैमरा है इस फ़ोन के अंदर। गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त स्मार्टफोन है। यहाँ पर गाइस आपको भी एंड्रोनो 750 भी देखने को मिल जाता है, और 6000 की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि गाइस आपको 100 वॉट की वायर्ड चार्ज के साथ ये फ़ोन आता है। यहाँ पर 16 GB 18 GB वही रैम देखने को मिल जाता है, 256 512 1 TB तक की स्टोरेज आप देख सकते हो स्मार्टफोन के अंदर। लाउड स्पीकर देखने को मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको डिस्प्ले के अंदर ही देखने को मिल जाता है। तो गाइज आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा 9 प्रो? तो गाइज आपको ये रेड मैजिक प्रो कैसा लगा, 9 प्रो कैसा लगा है, जो कि पिछली वीडियो में हमने बताया था भाई रेड मैजिक 9 प्रो की हर एक स्पेसिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर डिटेल में लेकर आए थे। तो गाइज एक और वीडियो आएगी जब भी ये मतलब लॉन्च होने वाला ही है, 2-4 दिनों में ये लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद हम भाई यहाँ पर आपको फुल डिटेल में वीडियो बिल्कुल लेकर आएंगे। और गाइज थोड़ी बहुत कमियाँ है इस वीडियो के अंदर भी, क्योंकि गाइज हमें कैमरा MP आपको नहीं बताया भी, आपको बैक में कितने MP कैमरा मिलेंगे वो अभी हम मजबूर है तो बता नहीं सकते हैं। तो जब भी ये फ़ोन लॉन्च होगा और लॉन्च होते ही हम आपको पूरी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो गाइज ये अभी स्मार्टफोन आपको कैसा लगा है रेड मैजिक 9 प्रो? तो गाइज आपको अच्छा लगा तो ब्लैक रंग अच्छा लगता है, या भैया आपने 9 प्रो प्लस की अनबॉक्सिंग की थी उसके अंदर आपको व्हाइट देखने को मिल जाता, ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाते, दोनों गेमिंग फ़ोन है, तो कौन सा कलर आपको सबसे अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो गाइज मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल के लिए सब्सक्राइब, क्योंकि गाइज ऐसी बेहतरीन वीडियो लेकर हम आते रहते हैं, और आपको हर एक छोटी मोटी जो चीज़ होती है वो प्रोवाइड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।